Hi students, welcome back. We are continuing our discussion on ellipse chapter, and our next topic is position of a point with respect to ellipse. ऐसा ही हमने एक टॉपिक सर्कल में किया था और फिर उसके बाद पैराबोला में भी किया था, राइट? तो वही उसी लाइंस पे अब हम ये टॉपिक एलिप्स में कर रहे हैं कि एक पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स किस तरह से हो सकती है. मतलब पॉइंट या तो ये जो रीजन आ रहा है इसको हम इनसाइड रीजन ऑफ द एलिप्स बोलते हैं, ये जो बाउंड्री है इसको हम ऑन द एलिप्स बोलेंगे, और ये रीजन अपना आउटसाइड द एलिप्स आ गया. तो जो पॉइंट अगर पी पॉइंट है कहीं पे जिसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, तो वो पी पॉइंट इस एलिप्स के अंदर लाई करेगा या बाहर लाई करेगा या ऑन द एलिप्स होगा, तो वो हमें फाइंड आउट करना है. तो हम स्टैंडर्ड एलिप्स ले रहे हैं, x² / a² + y² / b² = 1. इस कर्व को हमने एस मान लिया इस तरह से लिखने के बाद x² / a² + y² / b² - 1, तो ये अपनी एस आ गई. अब हम क्या करेंगे, विल कैलकुलेट s1 जैसे हम पहले भी करते हैं. s1 का मतलब दोबारा से बता रहा हूँ मैं आपको कि x1 y1 पॉइंट को आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास s1 आ गया. तो s1 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो उस सिनेरियो में पॉइंट विल लाई आउटसाइड द एलिप्स. अगर s1 की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो पॉइंट विल लाई ऑन द एलिप्स, एंड अगर s1 की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो उस सिनेरियो में पॉइंट विल लाई इन द इनर रीजन ऑफ द एलिप्स, या फिर आप कह सकते हैं कि इनसाइड द एलिप्स पॉइंट लाई करेगा. और जैसे कि हम बाकियों में भी लिखते हैं नोट, इसमें भी हम लिखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x² and y² शुड बी पॉजिटिव. ये आप ध्यान रखना, अदरवाइज आंसर सारे गलत आ जाएंगे. कॉफिशेंट ऑफ x² and y² आर पॉजिटिव, दिस इज अ मस्ट कंडीशन, ठीक है? एंड दिस इज प्रीटी मच सिंपल टॉपिक. एक एग्जांपल कर लेते हैं तो यू विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग. फाइंड द पोजीशन ऑफ 4, -3 विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स. एलिप्स की इक्वेशन 5x² + 7y² = 140 ले लेते हैं, ठीक है? सो लेट्स से दिस इज अवर एलिप्स और हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है कि ये इनसाइड होगा कि आउटसाइड. तो उसके लिए एस कर्व मान ली. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है ना कि 140 को नीचे लेके आए, तो वो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है. जिस भी फॉर्म में इक्वेशन गिवन है आप इसको एक तरफ ले आओ, कॉफिशेंट ऑफ x² और y² पॉजिटिव रहने चाहिए, और ये -140 इधर आ गया, तो ये अपनी एस कर्व आ गई. अब हम s1 कैलकुलेट करेंगे जिसमें हम x1, y1 पॉइंट को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो 5 × 4² + 7 × -3² - 140. बस 4 का स्क्वायर 16, 16 5 = 80, एंड 3 का स्क्वायर 9, 9 7 = 63, -140, एंड आई गेस दिस विल बी 143, राइट? एंड यू विल हैव 140 हियर. सो दिस इज 3 विच इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सो दिस इज ग्रेटर देन 0. सो s1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो पॉइंट विल लाई आउटसाइड द एलिप्स. तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? सो दैट इज पोजिशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स. मूविंग फर्दर, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एलिप्स, या फिर कह लो पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ एलिप्स कर रहे हैं, या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ढूंढ रहे हैं हम एलिप्स में. और सर्कल में अगर आपको याद हो दैट वाज a cos थीटा a sin थीटा, पैराबोला में 80² 280 स्टैंडर्ड पैराबोला में, उसी तरह से अब हमें एलिप्स में ढूंढने हैं. तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स थोड़े डिफरेंट आते हैं ना. लेट्स ड्रॉ एन एलिप्स फर्स्ट. ये अपना एलिप्स आ गया और ये p पॉइंट के मान लो आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स चाहिए. तो इसको निकालने का अब एक प्रोसेस है. आप क्या करते हो, आप इस मेजर एक्सिस, दिस इज योर मेजर एक्सिस, राइट? यहाँ से यहाँ तक ये मेजर एक्सिस आई. आप इसको मेजर एक्सिस मान, इसको डायमीटर मानो और इसको सेंटर ऑफ द सर्कल मानो, और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करो. सर्कल कैसा ड्रॉ कर रहे हैं हम, एलिप्स की मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के और एलिप्स के सेंटर को सर्कल का सेंटर मान के. इस सर्कल को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्कल.
तो ऑक्सिलरी सर्कल की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं यहां पे, दैट विल बी द सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द मेजर एक्सेस ऑफ एन एलिप्स एज डायमीटर, मेजर एक्सेस ऑफ द एलिप्स एंड एज डायमीटर इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल. ठीक है, तो ये अपना ऑक्सिलरी सर्कल आ गया. अब प्रोसेस क्या है वैल्यू कैलकुलेट करने का, इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स. तो आप क्या करो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस या फिर पैरेलल टू माइनर एक्सिस आप एक यहाँ से पी पॉइंट से पास करती लाइन ड्रॉ करो. तो ये लाइन आ गई. फिर इस पॉइंट को आप सेंटर ऑफ द लिप से ज्वाइन कर दो. तो इस तरह से एक ट्राइंगल बन गया, राइट. ये ट्राइंगल बन रहा है और ये एंगल को आप थीटा मान लो. सो दिस इज योर थीटा. तो इस पॉइंट के अगर मैं इसको क्यू बोलूँ तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप देखिए, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स अगर ये सर्कल की रेडियस, अब हमें पता है ए है ना, दिस इज द मेजर एक्सिस, सारी टू है तो ये इतना पोर्शन ए होगा, तो वही सर्कल की रेडियस होगी. दिस पॉइंट विल बी ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा. ये तो सर्कल का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आ गया, राइट. अब सिंस इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा है तो पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी ए कॉस थीटा ही होगा. और रही बात वाई कोऑर्डिनेट की, तो उसको मैं बीटा मान लेता हूँ फिलहाल, और बीटा की वैल्यू अब हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो पी पॉइंट जो है वो एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएगा. एलिप्स की इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू वन, जिसमें ये पॉइंट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो यू विल हैव ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई की जगह आ गया बीटा का स्क्वायर एंड बी स्क्वायर ओवर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू वन. तो ये ए स्क्वायर कैंसिल आउट और ये कॉस स्क्वायर थीटा उस तरफ चला गया. तो बी बीटा स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस टर्न्स आउट टू बी बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. दिस गिव्स यू बीटाज वैल्यू एज प्लस माइनस बी साइन थीटा. दो वैल्यूज क्यों आ रही हैं, एक पी पॉइंट एक्चुअली इधर वाला मिल रहा है आपको और एक इसके नीचे यहाँ पे आपको पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं. तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला उठाएंगे तो अपने पास बीटा की वैल्यू आ गई बी साइन थीटा. ठीक है, सो अपना पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फिर क्या बन गए पैरामेट्रिक पॉइंट की अगर हम बात करें, दैट इज ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा. ठीक है, तो ये आ गए अपने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिप्स. और ये जो एंगल थीटा चल रहा है ना, इसको हम बोलते हैं इसेंट्रिक एंगल. इसेंट्रिक एंगल कहीं पे भी लिखा हो कि इसेंट्रिक एंगल एलिप्स का क्या है, तो इसेंट्रिक एंगल हम कैसे मेजर करते हैं, पी पॉइंट से पैरेलल टू वाई एक्सिस एक लाइन बनाते हैं और जो ये ऑक्सिलरी सर्कल के साथ जहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है उसको जब हम सेंटर ऑफ एलिप्स से ज्वाइन करेंगे तो जो मेजर एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनेगा, दैट इज नोन एज द इसेंट्रिक एंगल ऑफ द एलिप्स. और ये अपना आ गया पैरामीट्रिक पॉइंट. अगर पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिखनी है तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा. दीज आर नोन एज पैरामीट्रिक इक्वेशंस. तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म में हमने एलिप्स को रिप्रेजेंट कर दिया. दिस इज पैरामीट्रिक पॉइंट. मान लो आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हो और आपको वापस एलिप्स की इक्वेशन लिखनी हो तो वो भी बहुत आसान है. ये पहले भी हमने देखा है एक क्वेश्चन में. इसको आप ऐसे लिख सकते हो x बाई ए कॉस थीटा के इक्वल और y बाई बी, ये तो स्टैंडर्ड ही प्रोसीजर है, साइन थीटा के इक्वल. और दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स दोबारा से आ जाएगी. ठीक है, so that is parametric form of ellipse. With this we'll move on to our next topic, that is position of a line with respect to ellipse. जैसे हमने circle में भी किया था ना condition of tangency, फिर हमने parabola में भी किया, अभी इसमें भी same ही procedure है. जो हमने parabola में procedure follow किया था वही procedure ellipse में follow करेंगे. तो ये अपना एलिप्स आ गया एंड लेट्स से यू हैव अ लाइन
वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी समवेयर हेयर. दोबारा बनाते हैं इसको. लेट्स से दिस इज योर लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और ये अपना लिप्स है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन. ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर जैसे पैराबोला में किया उसी तरह से यहाँ पे करना है. हमें एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है सबसे पहले तो, है ना. तो y को एलिमिनेट करते हैं तो ये आ गया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई की जगह आ गया एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू वन. तो अब यहाँ से आपको x में क्वाड्रेटिक बनानी है. उसके लिए हमने इसको ओपन कर दिया ब्रैकेट को. एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस ये आ गया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू एम सी एक्स ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू वन. यू टेक एलसीएम हेयर सो यू विल हैव बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू एम सी ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर. ये एलसीएम आया था जो उसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, अब सारी टर्म्स को इधर ले आते हैं और कॉफिशेंट्स एक्स स्क्वायर के एक्स के और कॉन्स्टेंट टर्म के अलग अलग कर लेते हैं. तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट बना बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर और एक्स का कॉफिशेंट तो यही है टू एम सी ए स्क्वायर एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म्स है जो आ रही है वो आ रही है ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो. तो ये अब अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. किसमें? एक्स में क्वाड्रेटिक बन गई. ठीक है, तो अगर लाइन ने पहला केस लेते हैं एफ लाइन इंटरसेप्ट्स द एलिप्स इन टू पॉइंट्स, है ना. लाइन इंटरसेक्ट्स एट टू पॉइंट्स, तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन जीरो. मतलब दो रूट्स आने चाहिए इसके. तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो करने के लिए बी स्क्वायर तो टू एम सी ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ए इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एंड सी इज सॉरी प्लस नहीं आएगा मल्टीप्लीकेशन में ही आएगा सी ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो. इसको आप सिंप्लीफाई कर लो. जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वट यू विल हैव इन द एंड इज इस तरह से रिलेशन आ जाएगा सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, तो यही बेसिकली अपना मेन रिलेशन बन रहा है इस सिनेरियो में. तो इसको हम बोल देते हैं कि ये अपनी कंडीशन आ गई कि लाइन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी. यही अगर हम चाहते हैं कि लाइन इंटरसेक्ट ना करे, लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट, तो उस केस में डी शुड बी लेस देन जीरो, राइट. तो ये कंडीशन चेंज होके कुछ इस तरह से बन जाएगी सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये आपको याद रखनी है कंडीशंस, पिछले वाली भी, सर्कल वाली भी और पैराबोला वाली भी. ठीक है, ये याद होने हो जानी चाहिए. तो ये आ गया लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट की कंडीशन. अब हमारा थर्ड स्पेशल केस होता है जो हम टेंजेंट बनाते हैं, है ना. सो थर्ड केस दैट इज लाइन इज टेंजेंट टू एलिप्स. तो उस सिनेरियो में एक ही पॉइंट पे टच करेगी तो डी की वैल्यू विल बी इक्वल टू जीरो. दिस विल गिव यू सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो सी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए करा है हमने सारा कुछ ड्राइव, ध्यान रखना. दिस इज योर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर एलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन. एंड एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हमने सारे प्रूफ में कहीं भी ये नहीं मेंशन किया कि ए बड़ा या बी बड़ा, ना. ए बड़ा हो चाहे बी बड़ा हो, ये दोनों के लिए वैलिड होगा इसलिए. ठीक है, बिकॉज हम कहीं पे प्रूफ में ले ही नहीं रहे हैं कि ए बड़ा आ रहा है या फिर बी बड़ा आ रहा है. ठीक है, सिंस ये सी की वैल्यू आपके पास आ ही चुकी है तो अगर आपसे कोई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछे स्लोप फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, सो दैट विल बी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की वैल्यू विल बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. जैसे पैराबोला में हमने लिखी थी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम, है ना. उसी तरह से यहाँ पे भी अब ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई स्लोप फॉर्म में. इसको भी आपको याद कर लेना है. ठीक है,
बिकॉज स्टैंडर्ड लिप्स के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो अगर स्टैंडर्ड लिप्स पे ही क्वेश्चन आता है पेपर में, तो हम इजीली विदाउट एनी कैलकुलेशंस डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करके आंसर ले आएंगे, ठीक है। नाउ वील डू सम एग्जाम्पल्स एज वी हैव डन इन अदर केसेज ऑल्सो। क्वेश्चन इज फॉर वट वैल्यूज ऑफ लैम्डा डज द लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस लैम्डा टचेस द एलिप्स 9x² प्लस 16y² इक्वल टू 144। हमें ये बताना है कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए ये लाइन इस एलिप्स को टच करेगी। तो क्या करते हैं कि पहले तो एलिप्स को ही स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। सो दिस विल बी x² ओवर 16 प्लस y² ओवर 9 इक्वल टू 1। 144 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और लाइन जो है आपकी वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, जिसमें m की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू लैम्डा है। तो इस लाइन ने अगर इस एलिप्स से टेंजेंट होना है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इज c² इज इक्वल टू a² m² प्लस b². तो यहाँ पे आप देखिए c² की तो वैल्यू आ गई लैम्डा स्क्वायर, और a² की वैल्यू इज 16, m² की वैल्यू विल बी 1 का स्क्वायर, प्लस b² की वैल्यू इज 9, सो दिस इज 25। दिस गिव्स यू लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो ये लैम्डा की दो वैल्यूज आ रही हैं, मतलब ये लाइन दो तरह से टेंजेंट हो सकती है। दो क्यों आ रही हैं वो भी आप देख लीजिए, कई बार हेल्पफुल होता है कि मान लो ये एलिप्स है, अगर मैं कह रहा हूँ कि इसकी स्लोप वन स्लोप किया ना, तो वन स्लोप की एक टेंजेंट यहाँ पे बनेगी, और सिमिलर एक टेंजेंट पैरेलल यहाँ पे भी तो बन सकती है। तो इसमें एक पर्टिकुलर स्लोप की दो टेंजेंट्स हम बना पाएंगे एलिप्स के केस में, ठीक है। इसलिए अपने दो आंसर आ रहे हैं, अदरवाइज एक ही आंसर आना था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। दिस सेज के प्रूव दैट द लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 टचेस द एलिप्स x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1 इफ a² l² प्लस b² m² इज इक्वल टू n². सो दैट इज अवर क्वेश्चन। तो प्रूव करना वैसा ही है जैसे हमने पैराबोला में भी किया है, सर्कल में भी किया है, सेम इक्वेशंस है, बस इक्वेशन कॉनिक सेक्शन की चेंज हो रही है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है एलिप्स की, तो x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। इस लाइन को हमें चेंज करके स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया एम वाई इज इक्वल टू माइनस एल एक्स माइनस एन। दिस गिव्स यू वाई इज इक्वल टू माइनस एल बाय एम टाइम्स एक्स एंड माइनस एन बाय एम। तो ये अपनी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आई थिंक आ गई है। अब इसमें क्या करना है हमें, कैपिटल एम की वैल्यू आ गई माइनस एल बाय एम एंड कैपिटल सी की वैल्यू आ गई माइनस एन बाय एम। कैपिटल एम और कैपिटल सी क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज एम ऑलरेडी यहाँ पे है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी विल बी c² इज इक्वल टू a² m² प्लस b². c² की वैल्यू इज माइनस ऑफ एन बाय एम का होल स्क्वायर, a² की वैल्यू a² ही, और m की वैल्यू माइनस एल अपॉन एम का होल स्क्वायर प्लस b². अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए तो आंसर आ जाने वाला आपका, दिस इज a² l² प्लस b² m² ओवर m² ये m² और m² कैंसल्ड आउट, और यहाँ पे आपका आंसर आ गया n² इज इक्वल टू a² l² प्लस b² m² आई होप हमें यही प्रूव करना था, राइट। सो दैट इज अवर सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये समझ में आया, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वील डू इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन वेरियस फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एलिप्स, कौन सा एलिप्स, x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1 इन वेरियस फॉर्म्स। अलग अलग फॉर्म्स में टेंजेंट लिखते हैं जैसे हमने पैराबोला में लिखा है, बिल्कुल सेम ही टॉपिक्स हैं और हेडिंग्स भी सेम ही है ना, बस उसके अंदर कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन चेंज हो रही है।
तो सबसे पहला पॉइंट फॉर्म आएगी अपनी, ये अपना एलिप्स हो गया, इसमें पी पॉइंट है अगर एक्स वन कॉमा वाई वन, तो पॉइंट फॉर्म की हेल्प से आप इस पॉइंट पे इक्वेशन लिख सकते हो। वो क्या बोलता है कि अगर एस कर्व आपकी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय वी स्क्वायर माइनस वन है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी गिवन बाय टी इज इक्वल टू जीरो, और टी इज इक्वल टू जीरो बोलता है कि एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन लिख लो और वाई स्क्वायर को वाई वाई वन लिख लो और बाकी कॉन्स्टेंट टर्म वैसे की वैसे ही रह जाएगी। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई इन पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म के बाद कौन सी फॉर्म आती है? पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म में हमारा जो पैरामीट्रिक पॉइंट होता है वो पी पॉइंट क्या बन जाता है, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, ये अपना पैरामीट्रिक पॉइंट आया एलिप्स, स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालनी है तो इस पॉइंट को इस पे डाल दिया, तो दिस विल बी एक्स ए कॉस थीटा बाय ए स्क्वायर प्लस वाई बी साइन थीटा बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन। यहाँ पे ए और ए कैंसिल और बी और बी कैंसिल, तो इक्वेशन आ गई एक्स कॉस थीटा बाय ए प्लस वाई साइन थीटा बाय बी इक्वल टू वन। इसको हो सके तो याद कर लीजिएगा, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन आ गई, अदरवाइज ड्राइव तो आपको फिर करनी आनी ही चाहिए अगर आप याद नहीं कर रहे तो। ठीक है, स्लोप फॉर्म में ऑल दो हम पहले लिख चुके हैं पर फिर भी फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन एक ही जगह पे सारी आ जाएंगी तो दोबारा लिख रहे हैं। स्लोप फॉर्म विल बी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दैट इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू वन इन स्लोप फॉर्म। इस फॉर्म में आप इक्वेशन रिज्यूम करोगे तो ये लाइन हमेशा टेंजेंट आएगी उस एलिप्स के, ठीक है, स्टैंडर्ड एलिप्स के। तो लेट्स डू सम एग्जांपल्स ऑन दिस क्वेश्चन। सेज फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स विच आर पैरेलल टू y is equal to 3x plus 7 and equation of ellipse is given, that is 4x square plus 3y square equal to 5। ये equation है ellipse की और आपको tangent की equation निकालनी है जो इस line के parallel हो। तो ये तो बहुत easy है, since ये line आपको given है तो इस line की slope तो आ गई 3 और अपनी टेंजेंट इसके पैरेलल है तो यही अपनी टेंजेंट की स्लोप बन गई 3। अब कंडीशन क्या होती है टेंजेंसी की कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो m तो ऑलरेडी अपने पास आ चुका है जो इस केस में m टेंजेंट हमने लिखा है mt। रही बात a और b की तो वो ये एलिप्स हमें बता देगा, इसको लिख लिया हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर ओवर ये 4 है ना तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, 3y square over 5 equal to 1 which can be written as x square over 5 by 4 and y square over 5 by 3 equal to 1। तो ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया और फिर अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। c की तो वैल्यू हमें चाहिए, a square is 5 by 4, mt square will be 9 and you'll have b square as 5 by 3, so this comes out to be I guess ये 45 हुआ, 45 by 4, calculations थोड़ी करनी पड़ेंगी हमें, 5 by 3, and यहाँ LCM आया 12, so this will be 3, 45 into 3 plus 20, I guess यहाँ पे 155 आ जाएगा, ठीक है, तो ये C square की value आई, तो यहाँ से C की value फिर क्या आ गई, plus minus square root of 155 by 12, ये हमने random question लिया था, तो इसकी वजह से ये answer इस तरह से आ रहा है, तो C आ गया, और m आपके पास था ही तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप यहाँ पे लिख लो y इज इक्वल टू 3x प्लस या फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 155 बाय 2 एज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, 2 नहीं सॉरी 12, ठीक है, यहाँ पे 12 है, 155 बाय 12। तो ये अपनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी क्लियरली। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एग्जांपल। दिस इज फाइंड इक्वेशन ऑफ
tangents at the ends of latus rectums of the ellipse 9x square plus 16y square equal to 144. This is your ellipse and आपको latest rectum के ends पे equation of tangent चाहिए. तो अगर ellipse बनाए हम every time ये ellipse अलग अलग तरह से बन रहा है. तो ये देखिए, ये अपना एक latest rectum इधर and another latest rectum you will have somewhere here. ये बिल्कुल symmetrical है ना. Don't go to my figure. ये सारे ellipse बिल्कुल exactly symmetrical होंगे सारे corners में, ठीक है. तो ये दो latest rectum आए. अब आप tangents के लिए देखें, एक tangent तो यहाँ पे बनेगी इस point of intersection पे, point of contact पे let's say, और एक tangent इधर आ जाएगी यहाँ पे. You will have one tangent somewhere here and एक tangent यहाँ पे बनेगी, ठीक है. तो फाइनली आपके पास चार इक्वेशंस की टेंजेंट आनी चाहिए आंसर की फॉर्म में, ठीक है. तो लेट्स ट्राई टू डू इट कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स को हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इक्वल टू 1. तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. अब ए स्क्वायर की वैल्यू इज 16 एंड बी स्क्वायर की वैल्यू इज 9. दिस विल गिव यू इसेंट्रिसिटी एज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर. ये फर्स्ट टाइप का ही एलिप्स बन रहा है, ध्यान रखिएगा. एंड दिस विल बी आई गेस 1 माइनस 9 ओवर 16 एंड दैट शुड गिव यू रूट 7/4 एज द इसेंट्रिसिटी. तो अगर हम फोकस की बात करें तो दैट विल बी प्लस माइनस ए ई कॉमा 0. सो दैट इज प्लस माइनस ए की वैल्यू आएगी 4, ई की वैल्यू इज रूट 7/4 कॉमा 0. तो यहाँ से फोकस के क्वाड्रेंट्स आ गए प्लस माइनस रूट 7.0. फोकस आ गया. फिर इसके बाद लेटेस्ट रेक्टम निकाला हमने. लेटेस्ट रेक्टम विल बी 2 बी स्क्वायर ओवर ए. तो 2 टाइम्स बी स्क्वायर की वैल्यू इज 9 ओवर ए इज 4. दिस इज 9/2. अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें हम निकाल ही क्यों रहे हैं, इसका यूज़ क्या है. तो इसका यूज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब मेरे पास अब फोकस के क्वाड्रेंट्स आ गए, मतलब ये पॉइंट रूट 7.0 है और इधर वाला पॉइंट माइनस रूट 7.0, और मेरे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी है 9/2, तो ये जो हाफ होगा दैट विल बी 9/4. तो इससे मैं ये चारों पॉइंट्स लिख पाऊंगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. एक बार मेरे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गए तो फिर मैं वहाँ से t इज इक्वल टू 0 लगा के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने वाला हूँ. तो आई विल बी राइटिंग फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रूट 7.9/4. ये बना, ये नीचे वाला बन जाएगा रूट 7.-9/4. इधर वाला पॉइंट विल बी रूट माइनस रूट 7 एंड यू विल हैव 9/4 एज द वाई कोऑर्डिनेट. और ये पॉइंट बनेगा माइनस रूट 7-9/4. तो ये चार पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गए. अब इसके लिए हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है. तो वो बहुत आसान है. t इज इक्वल टू 0 के लिए एक्स एक्स वन ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन ओवर बी स्क्वायर दैट इज 4. सॉरी 4 नहीं है, 9 है बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ये देख लीजिए यहाँ पे बी स्क्वायर इज 9. एक्स एक्स वन ओवर 16 प्लस वाई वाई वन ओवर 9 इक्वल टू 1. तो ये इक्वेशन आ गई. अब इसमें पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे. पहला पॉइंट अपना रूट 7.9/4 के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी एक्स रूट 7/16 प्लस वाई 9/4 इंटू 9 इक्वल टू 1. तो 9 और 9 कैंसिल आउट हो गए. तो पहली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई रूट 7x अपॉन 16 प्लस y/4 इक्वल टू 1. तो ये पहली इक्वेशन आई. दूसरा पॉइंट इज लेट से माइनस रूट 7.9/4. तो जब आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज होगा, माइनस आ जाएगा. तो इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस रूट 7/16 एक्स प्लस y/4 इक्वल टू 1. थर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज रूट 7.-9/4. ये हमें एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पे टेंजेंट चाहिए थे तो इसलिए हम एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को ही कंसीडर कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये सेकंड वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव में है तो ये आ जाएगा रूट 7/16 एक्स माइनस y/4 इक्वल टू 1. और लास्ट पॉइंट जब दोनों के दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस रूट 7-9/4 दिस गिव्स यू माइनस रूट 7/16 एक्स माइनस y/4 इक्वल टू 1.
तो ये चारों अपने टेंजेंट्स आ गए एट एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, दिस वॉज बिट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वंस। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल इन दिस टॉपिक इटसेल्फ, दैट इज के इफ लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस रूट 7, दिस लाइन टचेज द एलिप्स, ये एलिप्स को टच कर रही है, कौन सा एलिप्स, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1, देन फाइंड इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देन फाइंड इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो दिस इज अ बिट डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस वंस। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अज्यूम कर लेते हैं, लेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी एक्स वन कॉमा वाई वन। अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक्स वन कॉमा वाई वन है तो इस कर्व के लिए 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1 कर्व के लिए आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो लिख ही सकते हो एक्स वन कॉमा वाई वन पे, दैट विल बी 3x एक्स वन प्लस 4y वाई वन इक्वल टू 1, यही आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और वैसे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक गिवन ही है, 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस रूट 7 गिवन है, तो इसको ऐसे ही लिख लिया इक्वल टू माइनस रूट 7, तो ये इक्वेशन आपको ऑलरेडी गिवन है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ये एक ही लाइन को तो रिप्रेजेंट कर रही हैं, 1 एंड 2 रिप्रेजेंट्स द सेम टेंजेंट लाइन जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो कॉफिशियंस आप कंपेयर कर सकते हो, तो यहां से आया 3x1 ओवर 3 प्लस 4y1 ओवर 4 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ऑफ रूट 7, तो यहां से सॉरी यहां पे प्लस नहीं है भाई, इक्वल आएगा। ठीक है, 3x1 a1 ओवर b1, a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 इक्वल टू c1 ओवर c2 हम कर रहे हैं, तो यहां पे इक्वालिटी आएगी। ये 3 से 3 कैंसिल और 4 से भी 4 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां से x1 की वैल्यू सीधी सीधी आ गई माइनस 1 अपॉन रूट 7 एंड y1 भी कितना आ गया माइनस 1 अपॉन रूट 7। सो योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हम यहां से लिख सकते हैं, दैट विल बी माइनस 1 बाय रूट 7 कॉमा माइनस 1 बाय रूट 7, सो दैट इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर दिस गिवन टेंजेंट। ओके, सो विद दिस विल मूव टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो दिस क्वेश्चन सेज के फाइंड द, ये भी डिफरेंट है पीछे वालों से, अलग टाइप कर रहे हैं अब हम, फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स, पॉइंट्स नहीं है पॉइंट ही है, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2,2 टू द एलिप्स, एलिप्स कौन सा है 3x² प्लस 5y² इक्वल टू 15 ले लेते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एलिप्स में पहले तो इसको कन्वर्ट किया, तो x² ओवर 5 प्लस y² ओवर 3 इक्वल टू 1, तो ये तो अपना स्टैंडर्ड एलिप्स आ गया। अब देखें कि पूछा क्या है इसमें, इसमें बोल रहा है कि अगर आपके पास ये एलिप्स है जो कि फर्स्ट टाइप का एलिप्स बना है ना, इफ़ दिस इज योर एलिप्स और इस पे आपने एक्सटर्नल पॉइंट 2,2 से, 2,2 यहाँ कहीं पे होगा मान लो, तो अगर यहाँ पे है तो एक टेंजेंट आपने ऐसे बनाई और एक टेंजेंट लेट से आप इस तरह से बना रहे हो, ये टेंजेंट है ध्यान रखिएगा, तो 2,2 से आपने ये दो टेंजेंट्स बनाई है ना, इसका एंगल पूछ रहा वो इनके बीच में कितना आ रहा है। ठीक है, सो दैट इज़ योर क्वेश्चन। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस टेंजेंट की स्लोप कैलकुलेट करने वाला हूँ m1, इस टेंजेंट की स्लोप m2 कैलकुलेट करने वाला हूँ, और वहाँ से फिर मैं पता लगा लूँगा कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है। बेसिकली दो लाइंस ही तो हैं, दो लाइंस के बीच में अगर आपके पास स्लोप्स है तो आप tan थीटा का फॉर्मूला लगा ही सकते हो, tan थीटा इज m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2, तो स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ाई है। तो हम क्या करते हैं, इस एलिप्स पे पहले तो जनरल टेंजेंट लिखते हैं स्लोप फॉर्म में, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर वैल्यूज प्लग इन कर दी, mx प्लस माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू 5, एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 3, तो ये आ गया y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5m² प्लस 3। अब आप देखिए कि ये 2,2 से पास करेगा ना, 2,2 सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है तो फिर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो 2 इज इक्वल टू m इंटू 2
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5m² प्लस 3। अब हमें कुछ नहीं करना, इसको बस सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक आ जाएगी m में। सो इसको इधर ले आते हैं, तो 2 माइनस 2m इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5m² प्लस 3, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो यू विल हैव 2 माइनस 2m का होल स्क्वायर इक्वल टू, प्लस माइनस गायब हो गया, तो 5m² प्लस 3 दिस गिव्स यू आई गेस 4 प्लस 4m² माइनस ऑफ 8m इक्वल टू 5m² प्लस 3। सबको इस तरफ ले आओ, तो ये बन गया 1m² प्लस 8m आ गया यहाँ पे। आई होप वी आर डूइंग कैलकुलेशंस करेक्टली। और माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस सीम्स टू बी राइट। तो एम स्क्वायर प्लस 8m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके दो रूट्स आने वाले हैं, एक m1 और एक m2। मेरे को वही दो रूट्स चाहिए फिर मैं tan थीटा में वैल्यू प्लग इन कर दूंगा। पर मैंने क्या देखा कि ये जो इक्वेशन बनी इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स m1 m2 वो तो माइनस 1 आ रहा है, साफ साफ ही दिख रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर माइनस 1 है तो इसका मतलब m1 और m2 जो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो दोनों लाइंस क्या होंगी, लाइंस विल बी परपेंडिकुलर। तो यहां से आ गया लाइंस आर परपेंडिकुलर, इसका मतलब जो उनके बीच में एंगल है वो 90 डिग्री एंगल आ गया। तो यही हमें एंगल चाहिए था, तो हमें रूट्स निकालने भी नहीं पड़े ना। यहाँ पे हमें दिख गया कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस 1 आ रहा है, तो मतलब ये जो दो टेंजेंट्स हैं वो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रही होंगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो तब तक आप रिवाइज कर लीजिए। ओके, थैंक यू।